Assalamu alaikum. In this video we will solve question number 6 part D of CSS 2020 general science and ability paper. Question is asked that how does mental ability scales differ from IQ test? Before making the comparison, we must know what are the different scales of mental ability. Okay, first we know what is the mental ability. Actually, this mental ability is generally termed as it is referred as the level. Mental ability scales are referred as the level at which an individual learns, understands instructions and solves problems. Okay, ab mental ability test scales, ek scale ya scales ki ये हमें डेफिनेशन ये बना दी है कि ये एक ऐसा लेवल होता है जिसके थ्रू कोई भी इंडिविजुअल लर्न करता है, अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन करता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। अब लर्निंग की बेसिस पे, अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन की बेसिस पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बेसिस पे डिफरेंट आप इसके स्केल्स बना सकते हैं। अब इसके स्केल्स हम बनाएँ तो आप देखें तो ये आपके पास आप चीज़ें वर्बल भी सीखते हैं, ये भी एक इसका स्केल है। उसके बाद आप मैकेनिकल चीज़ें भी सीखते हैं, ये भी इसका स्केल है। एक इसका न्यूमेरिकल मींस आप मैथमेटिक्स से क्वेश्चन सीखते हैं, ये भी इसका एक स्केल है। उसके बाद इसका एक स्केल आप सोशल भी कह सकते हैं, ये भी आप इसको लर्न करते हैं। और उसके बाद आपके पास आता है स्पेशियल एबिलिटी, ये सारी एबिलिटी की टर्म है। इसके बाद एक और आती है, उसको कहा जाता है कोग्निटिव। ठीक है, ये मेंटल एबिलिटी के स्केल्स हैं, ये सारी चीज़ें इसने लर्न की हैं। ये आती है कोग्निटिव। कोग्निटिव एबिलिटी जो है ये टोटली इट इज़ टोटली रिलेटेड टू इंटेलिजेंस। ठीक हो गया। अब आईक्यू को जो कहा जाता है उसको कहा जाता है इंटेलिजेंस कोशेंट। ओके, यानी कि आपके पास मेंटल एबिलिटी के जो सारे स्केल्स हैं उसके अंदर एक स्केल है, उसका नाम है इंटेलिजेंस कोशेंट, जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ ब्रेन के रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हैं उनको मेजर कर रहा था। अब आप देखें मेंटल एबिलिटीज़ के डिफरेंट टर्म्स हैं, वर्बल, स्पेशियल, न्यूमेरिकल, मैकेनिकल, सोशल, ये सारी एक्चुअली मेंटल एबिलिटीज़ हैं जो ब्रेन की लर्निंग के रिलेटेड, इंटेलिजेंस के रिलेटेड एबिलिटी है उसको कहा जाता है आईक्यू टेस्ट। आईक्यू टेस्ट बेस एबिलिटी यानी कि इंटेलिजेंस कोशेंट, इसके थ्रू आपकी इंटेलिजेंस मेजर की जाती है कि आपका माइंड कितना शार्प होता है चीज़ों को जज करने में। ये हर में डिफर करती है, हर पर्सन के पास डिफरेंट होती हैं। जबकि दूसरी जो होती हैं उसमें आप देख लें सोशल एक्टिविटीज़ सब एक जैसी सीख सकते हैं, स्पेशल एक्टिविटीज सारी एक जैसे सीख सकते हैं, न्यूमेरिकल एक्टिविटी मींस के आपने मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने, फार्मूला हर कोई सीख सकता है। लेकिन जो ये आईक्यू टेस्ट है इंटेलिजेंस, ये हर किसी में डिफर करती है, मींस के किसी के पास कम होती है, किसी के पास ज़्यादा होती है। एक्चुअली क्वेश्चन पूछने वाले का मकसद यही था कि आप पर्सन वाइज डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या नहीं। इंटेलिजेंस हर किसी के साथ डिफर करेगी, जो कि दूसरा जो मेंटल एबिलिटी के स्केल है वो सारे लोग सिमिलर भी अडॉप्ट कर सकते हैं। मज़ीद मैं एक लिंक कमेंट में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में, उसको फॉलो करना, बहुत अच्छी चीज़ है। वो एक रिसर्च पेपर है, आप रिसर्च पेपर पढ़ना तो आप चीज़ों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
Please stay connected for all other videos.